तकरीबन 60 लाख या करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, तो ये हर इंसान को पता होना चाहिए कि कुछ है तो है। काम वो करो और शौक भी उस चीज़ का पालो जो कि ना आपके जो सराउंडिंग एरिया उसमें कोई भी ना करे। इंटर कंप्लीट हो गया है, आई एम डूइंग आइट्स और मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान है। दूध वाला लोग कहते हैं लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तकरीबन 15 ईयर्स से बिजनेस अपना कर रहा हूँ, ठीक है, और मतलब कि तब से लेगा मेरी 22 एज है। मैं मंडी एक शूट करने आया था, शूट कुछ ऐसा था कि कोरोना के हवाले से मंडी के ऊपर जो यहाँ पे व्यापारी है उनके ऊपर क्या असरात पड़े, आवाम का क्या रिस्पांस था मंडी के हवाले से, और आज आखिरी दिन है तो रेट के ऊपर क्या असरात पड़े, इस हवाले से मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा था। मुझे एक साहिब मिले जिनका नाम है अहसन, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनकी कहानी बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुनाफे वाली है। ये कहानी क्या है हम इन्हीं के ज़बानी सुनते हैं, इनसे बात करते हैं गपशप के अंदाज़ में और आप भी सुन लें। हसन, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट 60 लाख रुपए की जी, तो कोई डर खौफ महसूस नहीं हुआ कि यार नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कोरोना का जो बड़ा तासुर था इससे पहले कि गाहक आता है नहीं आता, लोगों की मईशत ख़राब हो चुकी है, नौकरियां बर्बाद होगी, कारोबार ख़राब हो गए, तो कोई खौफ डर महसूस नहीं हुआ? सर डर के मतलब कि मेरे बाबा जी ने ना मुझे एक बात सिखाई थी, उन्होंने कहा था बेटा काम वो करो और शौक भी उस चीज़ का पालो जो कि ना आपके जो सराउंडिंग एरिया उसमें कोई भी ना करे, ठीक है। मेरे पास जो भी जानवर थे माशाल्लाह खूबसूरत थे, ठीक है, और मैं इस पेशे से मुंसलिक ये फार्म का मैंने 2 ईयर्स पहले किया था। इससे पहले मेरा मतलब कि जो मैं खुद तकरीबन 15 ईयर्स से बिज़नेस अपना कर रहा हूँ, ठीक है, और मतलब कि तब से लेगा मेरी 22 एज है, तो मैं तब से बिजनेस डर खौफ नहीं होता, बस ये होता है कि बस साथ साथ मतलब कि ज़िंदगी के चलता है और रिस्क भी लेना चाहिए थोड़ा बहुत। अच्छा, आपके एजुकेशन कितनी है? सर मैं मेरा इस टाइम इंटर कम्प्लीट हो गया है, आई एम डूइंग आइट्स और मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान है, मैं बिज़नेस मैनेजमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। इसी पेशे के जो जो डेयरी फार्म है इसी से मुंसलिक काम करने के लिए आप उधर जा रहे हैं? जी, मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना जो बिज़नेस है वो एक्सटेंड करूँ इंटरनेशनली। जी यस। तो अब आपको इसमें मतलब कोई आपके दोस्त वगैरह थे, वो मज्जा वाला जा रहा है, गाय वाला जा रहा है, इस तरह कहते हैं? सर इसमें देखें दूध वाला जा रहा है? नहीं, दूध वाला लोग कहते हैं लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैंने कोई तकरीबन 60 लाख या करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, तो ये हर इंसान को पता होना चाहिए कि कुछ है तो है, ठीक है, तो अगर मतलब कि बहुत मैं नहीं कहता कि इससे कोई अच्छा बिज़नेस है, क्योंकि ये मेरा बिज़नेस है, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई बिज़नेस, काफ़ी अर्निंग होती है इससे, ठीक है, मैं बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। आप नौकरी पर बिलीव करते हैं या कारोबार? सर कारोबार पर। आप चाहते हैं मतलब नौकरी के बारे में आपके क्या ख्याल है? सर नौकरी के बारे में मैं अगर अपने अकॉर्डिंग कहूँ तो मैं किसी के मतहत काम नहीं कर सकता, ठीक है, मैं बिज़नेस इसलिए प्रेफर करता हूँ कि आपको पता है आपको आप रिस्क लेते हो उसमें, आपका बिज़नेस है वो चल जाए ना चले वो आप पे मतलब ये होता है कि यार नौकरी पे ये किसी के अंडर काम करना और वो नहीं होता। अच्छा, आमतौर पर ना जब लोग कुत्ता लेके फिर रहे होते हैं गली सड़क में ना जी, बड़ा फख्र महसूस करते हैं, भैंस कोई लेके फिर रहा होता है, गाय लेके, उसको कहते हैं गेंद भैंस वाला है, दूध वाला है, व्यापारी है, इस तरह का है ना। सर ये मेंटालिटी होती है इंसानों की, ये लोगों की मेंटालिटी होती है, अब उनको नहीं पता जो लोग होते हैं जिनको इस बारे में नहीं पता होता, ठीक है, वो लोग ऐसे ही कहते हैं, और जो मुझे लगता है कि जिनमें अक्ल और सोच का मतलब कि होता है थोड़ा सा तनाजर, उनको पता चल जाता है कि क्या सिस्टम है। आपके दोस्तों को रिश्तेदारों को पता है कि आप इस कारोबार से? जी मेरे दोस्त सारे मेरे साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं। अच्छा। सारे मेरे दोस्त यहाँ पे मेरे साथ मौजूद होते हैं, हम सब बैठ के हम इधर आते हैं, हम इंजॉय करते हैं साथ में, और मतलब कि आगे बंदे रखे हैं और सारा काम करते हैं। कभी छेड़ा इनको तू मज़ा भेजता है इस तरह माशाल्लाह हमें अच्छा लगता है कि हमारा दोस्त एक टाइम से पहले ही इस लाइन में अपने बिजनेस फ्यूचर के बारे में सोचता है, और हम भी इसके साथ आगे टाइम स्पेंड करते हैं और देखते हैं बिजनेस को कैसे ये करता है ताकि हमें भी कुछ करने को मिले। शौक की बात होती है ना यार, मतलब कि मेरा हमारा शौक है तो हम करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात, शौक के साथ मुनाफा भी है। मुनाफा भी है तो किसी ने कभी इस तरह कहा आपको मजा वाला जा रहा है खाना खाना? नहीं, वो क्यों कहेंगे मुझे ऐसे? नहीं कहेंगे, नहीं, हमारे फॉर्म है अपने। आगे पढ़ने का इरादा है आपका ऐसा? जी मैं अब जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में एडमिशन होने वाला है, ये सिर्फ कोरोना की वजह से, वरना मेरी जुलाई में इंटेक थी, अब ये इंशाल्लाह फेब में मेरी इंटेक है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। बेसिकली मेरा आगे फार्मिंग का जेन है, तो बस इसी लिए ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा आगे इंशाल्लाह, अपने काम को एक ये नेशनल लेवल पे अभी है, इसको इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊँगा, और जो मेरे गोल्स हैं मैं अचीव करूँगा, मे बी इसी से मुंसलिक मेरा सारा पेशा हो। कितने जानवर खरीदे थे आपने इस बार? सर हमारे पास 320 जानवर थे, ठीक है, जिनमें से हमारे सारे सेल हो गए, 3 रह गए हैं। कितने इन्वेस्टमेंट तकरीबन हमारे पास सारे बड़े जानवर थे और तकरीबन हमारी 60 लाख के करीब हुई। सबसे मिनिमम जो आपने खरीदा वो कितने का था? सर वो हमने खरीदा था तकरीबन
एक 80 में, ठीक है। कितने का निकल गया वो सारा? हमारा निकला तकरीबन 2.5 के करीब। आप ये अभी से इस पेशे से मुंसलिक हुए कि खानदानी करते हैं? सर सर बेसिकली हमारा एक फार्म हाउस है, मतलब कि हम खुद इनकी मतलब ब्रीड वगैरह करवाते हैं, और हम इसको देसी तरीके कोई फीड शीड वगैरह नहीं है। ये आप जानवर आपके सामने माशाल्लाह, तो हम इसको खुद ही तैयार करते हैं। तो कम से कम ज़्यादा का रेट क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? आप जो आपने बेचे हैं ना, उसमें सबसे कम रेट वाला कौन सा था? सर उसमें सबसे कम रेट वाला था, हमने जो सेल किया है वो था 160 का, क्योंकि हमने मतलब कोई छोटे जानवर नहीं थे हमारे पास, सारे बड़े जानवर थे। तो 160 का वजन कितना था तकरीबन आपका? वो तकरीबन था कोई 5-5.5 मन था। सबसे महंगा जो आपने बेचा वो कितने का था? सर सबसे महंगा जो हमने बेचा है वो हमारे पास था तकरीबन वो कोई था 15 मन का, ठीक है। वो हमने सेल किया है, वो हमारा हुआ 5 लाख का, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक है, लाहौर शेर लाहौर इसका नाम है ये, हम इसकी डिमांड करें 5 लाख, ठीक है। ये भी तकरीबन कोई 12-13 मन का है।